कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आ चुका एक और वीडियो के साथ। लोग सोच रहे हो कि मैं इस केव में क्या कर रहा हूँ, 2x2 के कमरे में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं निकला था आयरन माइनिंग करने के लिए, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मुझे आयरन माइनिंग करते करते क्या मिला। आयरन तो नहीं मिला है अभी तक। बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नीचे आने में बहुत टाइम लग जाता है, मैं बताना भूल गया। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने कलेक्ट की है, ये सॉरी, ये थोड़ा बहुत एमेथिस्ट क्या होता है, तुमसे ना हो पाएगा। इससे क्या यूज होता है आप लोग कमेंट बताना, मुझे नहीं पता। ये देखो टड़ा, मतलब भाई क्या सही चीज मिल गई मुझे। मतलब स्पॉनर है गाइस, स्पॉनर मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे भाई इससे हम अपना एक्सपी फार्म बना सकते हैं, बहुत तगड़े वाला, मतलब तगड़े वाला। और हम इसके अभी तक चेस्ट नहीं खेल सकते। बोले चेस्ट में क्या क्या दिखा देता हूँ। Many months later. ये तो एक रैंडम सी लूट थी, कुछ ज्यादा खास नहीं थी। उसको हम 2 ब्लॉक नीचे डिक करना होगा, तो फटाफट से डिक करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल पहले बनाना होगा सबसे। इसको यहाँ रखते हैं, एक फर्नेस बना लेते हैं। जितना भी आयरन है उसको स्मेल्ट होने देते हैं। अभी मतलब अभी काम का नहीं, फिलहाल मैं इसके अंदर रख देता हूँ। एक स्टिक बनाते हैं ताकि हम अपना आयरन का पिकेक्स बना सके। मुझे काफी सारे अभी पिकेक्स लगने वाले, तो मैं थोड़ी ज्यादा ही क्वांटिटी में क्राफ्ट करूंगा। तब तक इधर आयरन स्मेल्ट होने देते हैं, और मैं तब तक इधर का सारा तोड़ लेता हूँ। A few minutes later. मैं इसको इसे डायरेक्टली डाल दूँ, मात्र इतनी दूरी आती है। और अगर मैं इस पे से कुछ ट्राई करता हूँ, रुको एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि अभी अगर मैं उसको लेने जाऊँगा तो मुझे काफी ऊपर जाना पड़ेगा वापस। तो ये किलिंग चेम्बर है, यहाँ तक तो ये पहुँच जा, कोई भी स्पॉन होता है यहाँ तक आ जाएगा आराम से। A few inches later. 3 हॉपर लगा दूंगा इस तरह से, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कॉबल स्टोन, ताकि जो स्केलेटन्स हैं वो मुझे मार ना सके। आते जाए और मैं ऐसे टपा टप टपा टप टपा सामान होगा वो यहाँ पे चेस्ट में कलेक्ट होगा, क्योंकि अभी मेरे पास हॉपर है नहीं। तो इतना बड़ा रूम यहाँ के लिए काफी है, पर अब मुझे ऊपर का जो वो रूम था उस पर अटैच करना होगा। ताकि देख सकते हो ये जो एरिया बन चुका है, मतलब सारे टॉर्चेस को हटा देते हैं, स्पॉन होने लगे हैं ऊपर है मेरे ख्याल से। बस ये एक टॉर्च जो है, ओके मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। और हाँ, यहाँ से मैं देखते रहूँगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, हमारा सस्ता जुगाड़ काम कर गया। आ रहा है इधर पानी का बहाव, बार बार ऐसे इधर आए लाते रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा कम स्पॉन हो रहा है। मतलब तेजी से स्पॉन होगा तो काफी सही रहेगा, समझ लो थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपी का जुगाड़ होते रहेगा। और मिलेंगे तो मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे भी। तो ये वाला चेस्ट को मैं यहीं पे मतलब फिट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और जो भी मतलब इनसे मुझे सामान मिला करेगा मैं इनको यहीं पे कलेक्ट कर दिया। A few moments later. फार्म कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वो तो डायमंड माइनिंग चला जाए, क्योंकि मेनली अपना गोल आज का वही है कि हमें डायमंड लेके आने हैं। चीज तो है मेरे पास, थोड़ा बहुत जो बेकार का सामान है मैं ऊपर रख देता हूँ, और थोड़े बहुत तो मैं यहाँ से आयरन ले लेता हूँ, आयरन दे देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। फिलहाल अननेसेसरी है इसको मैं। और हाँ, मैं यहीं से नीचे डिग डाउन करने वाला, 21 पे हूँ तो मुझे काफी -57 पे जाना है, तो मुझे काफी टाइम लगने वाला है ये चीजें करने में। जो भी बेकार का है फिलहाल इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बाद में आके लेके जाऊंगा। A few minutes later. और मैं काफी सारा पिकेक्स क्राफ्ट कर देता हूँ। 4 पिकेक्स तुम्हारे भाई ने क्राफ्ट कर ली है, अब तो मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर अभी भी दिक्कत हो गई तो समझ लो बुरे दिन आ गए। देखो तो देख रहे हो एक्सपी मतलब ठीक ठाक अपना काम कर रहा है, बस प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब थोड़ा स्लो काम करता है, पता नहीं क्या हो सकता है। थोड़ी बहुत मैं ये लाइटनिंग इधर पहुंच रही है उस कारण से हो रही है, क्या पता नहीं। तो चलो अब मेन काम करते हैं, यानी अपना डायमंड माइनिंग पे चलते हैं। Thousand years late.
एक सेकंड, ये पानी कहाँ से आ गया यहाँ? रुक जाओ जरा, मैं साइड से तोड़ता हूँ ब्लॉक। काम चालू रखते हैं, रुकना नहीं है हमें। केव में पहुंच चुका हूँ, पता नहीं कौन सा केव है पर हाँ मैं पहुंच चुका हूँ। हेल्थ पूरा नहीं भरेगा भाई, मैं नहीं ले वार अपने जगह से। भाई बहुत डेंजर जगह ये तो। ओ भाई मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा। सीन हो जाता है मेरे साथ। What are you doing brother? इधर तुम किधर, कहाँ करती हो तुम? तुम भागो यहाँ से। अरे फट गया भाई, फट गया ये सबको लेके। बहुत लेट फटा, मतलब मैं लिटरली चाहता था कि वो पहले फट जाए, मेरा काम आसान हो जाए। बहुत डेंजर के भाई ये तो। अरे भाई साहब रुक जा। हाँ बहुत बढ़िया, तुम लोग आज मैं तुम लोग को WWE दिखाऊंगा बस। आज मैं फाइट नहीं करूंगा, ये लोग फाइट करेंगे भाई। ऐसा मैं डेली देखने को नहीं मिलता। चलो गया ये भी भाई, बहुत सारे हैं यहाँ पे तो। कई बार तो लगता है लिटरली, अरे भाई डायमंड मिल गया। मैं नहीं मानता, लिटरली मेरा फर्स्ट डायमंड। भाई एक ही डायमंड है क्या भाई? कुछ तो फेंकना, अरे फेंक। भाई डायमंड मिल गया, वाह वाह वाह। रेडस्टोन है यहाँ पे, और मैंने एक वीडियो में देखा था कि रेडस्टोन के आसपास काफी सारा डायमंड होता है, तो मैं एक बार ट्राई मार लेते हैं, क्या पता मिल जाए। ओके नहीं है। ऊपर केव है बहुत बड़ी, ओ ये मतलब ये बहुत बड़ी केव है भाई। मैं नीचे में हूँ पर समझ आ रहा है काफी बड़ी केव है। A few minutes later. और मतलब मैं पहुंच चुका, अब मुझे बस स्ट्रिप माइनिंग करनी है। और अब मैं स्ट्रिप माइनिंग करने वाला हूँ सीधा, मतलब सामने की ओर जाऊंगा और देखते हैं कितना डायमंड मिलता है। 1000 years later. भाई देखो कितना दूर तक मैं आ चुका हूँ पर अभी तक एक डायमंड नहीं मिला यार, मैं तो मतलब परेशान हूँ। गाइस आज की वीडियो इतना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। हाँ आज की वीडियो में डायमंड नहीं ढूंढ पाया पर मैंने काफी मतलब डायमंड ढूंढा, बस एक ही डायमंड ढूंढा। देख सकते हो मेरा पूरा चेस्ट भरा पड़ा है जीप सारी चीजों से, और एक डायमंड अपना ये यूनिक। मुझे कमेंट में अमेथिस्ट का भी यूज बताते जाना। और हाँ जो नई चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, पहले कमेंट करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। आप लोग मुझे कोई ट्रिप या ट्रिक बताना यार, जिससे मैं डायमंड इजीली ढूंढ सकूं। मैं हर बार केव में जाके ढूंढा करता था इसलिए मुझे आसानी से मिल जाती थी, पर मैं इस बार क्यों स्ट्रिप माइनिंग कर रहा हूं मुझे खुद नहीं पता। और इतने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे भाई, सब कुछ मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, रेड स्टोन तो भर भर के मिल रहा है पर डायमंड नहीं मिल रहा। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या करूं कि डायमंड जल्द मिले। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलता है फिर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.